नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंडियन क्लासेस में। देखिए साथियों, हम साइंस में विज्ञान में अध्याय नंबर 1900 चल रहे हैं, जो कि है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। ठीक है, यह चैप्टर जो है आपके 8 नंबर का है, इसलिए इसको जो है हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। पिछले वीडियो में जो है हमने भारत की जैव विविधता है ना, वहाँ तक जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। अब जो है आज के वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ हमें याद करते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आज का टॉपिक है जैव विविधता के तप्त स्थल। ठीक है, अब ये जैव विविधता के तप्त स्थल होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, तप्त का मतलब क्या होता है विज्ञान में, तप्त मतलब गर्म, गर्म को हम क्या बोलते हैं, हॉट। ठीक है, और स्थल को हम बोलते हैं स्पॉट। ठीक है, तो क्या हो गया, हॉट स्पॉट। देखिए दोस्तों, हॉट स्पॉट तो जो है आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, है क्या आखिरकार जो है इसको हम समझते हैं। देखिए, आपको बोला है कि ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता तप्त स्थल कैसे कहते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो है ना टोटल 34 जैव विविधता तप्त स्थल पूरे विश्व में जो है, टोटल कितने हैं, 34, सिर्फ 34 जो है वो जैव विविधता जो है तप्त स्थल है। ठीक है, तो ये है आपका जैव विविधता, सिंपल सी बात है, आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल यदि होना है ना, तो उसके लिए जो है ना आवश्यक शर्त क्या है। जैसे कि मान लो आपके गांव का ही हम एग्जांपल लेते हैं, आपके गांव में एक विलेज है, सॉरी आपके गांव में एक क्या है, जंगल है। ठीक है, अब उस जंगल में जो है बहुत सारे जीव जंतु है। अब आपको यदि यह कहना हो कि वो जो जंगल है वो जंगल जैव विविधता तप्त स्थल है या नहीं है, तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होगी, वो शर्तें जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले, टोटल दो ही शर्तें हैं, उन शर्तों को जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जैव विविधता को जो है एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, बहुत अधिक जैव विविधता मतलब वहाँ पे जो है ना जीव जंतु, अलग अलग बहुत तरीके के जीव जंतु होंगे, सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में रखना। अब देखिए दोस्तों, आवश्यक शर्तों में हम पढ़े ना, तो सबसे पहली बात क्या है, देखिए उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% से अधिक प्रजातियाँ उपस्थित है, मतलब उपस्थित होनी चाहिए। क्या बोला है, पहली शर्त क्या है कि वो जो क्षेत्र है ना, जैसे कि आपके गांव का जंगल, तो उस क्षेत्र में टोटल जो विश्व की स्थानबद्ध प्रजाति है ना, उसकी 0.5% होनी चाहिए। मतलब यदि आप मान लो कि आपके मतलब जो टोटल विश्व है ना, उस विश्व में मान लो कितने हैं, 1,00,000 प्रजातियाँ, कितने हैं, 1,00,000 प्रजातियाँ है। यदि 1,00,000 प्रजातियाँ, तो आपके गांव में कितनी प्रजातियाँ होनी चाहिए, 0.5, तो 0.5 से गुणा कर लेंगे तो 5/100 हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा और आपके गांव के जंगल में 5,000 प्रजातियाँ होनी चाहिए। बात को जो है आप समझ रहे होंगे, कितनी प्रजातियाँ, 5,000 प्रजातियाँ होनी चाहिए, यह जो है आपके इस 0.5% का मतलब है। ठीक है, और हम यदि संख्याओं में बात करें ना, तो देखिए क्या बोला है कि संख्या के हिसाब से उस स्थान पर कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियाँ तो होनी ही चाहिए, मतलब इससे कम तो होनी नहीं चाहिए, इससे तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि उस स्थान पर विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% प्रजातियाँ उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, और यदि ये संख्या में हम बात करें, तो उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियाँ होनी चाहिए। इन दोनों में से यदि आप कोई भी एक भूल गया हो, एक ही लिख लिया ना, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अच्छे से समझिए। दूसरे पॉइंट में क्या बोला है कि उस क्षेत्र के मूल आवास का जो मूल आवास है ना, उस क्षेत्र का मूल आवास का 70% उजड़ चुका हो, अर्थात मानव गतिविधियों से उस क्षेत्र के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा हो। ठीक है, अब इससे जो है हम थोड़ी कल्पना करते हैं। देखिए, आपका गांव है, आपके गांव में एक जंगल है। ठीक है, उस जंगल में जो है ना, मान लो कि 1500 से अधिक मतलब 5,000 प्रजातियाँ है। ठीक है, तो ये आपके गांव का क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, ये आपके गांव का हो गया
जंगल, ठीक है। अब इस जंगल में 5000 प्रजाति है, मतलब यह जो है हॉट स्पॉट होने के लिए, मतलब तप्त स्थल होने के लिए पहली शर्त तो पूरी कर रहा है। दूसरी शर्त क्या है कि ये जैसे कि आपका ये पूरा वन है ना, जो आपका जंगल है ना, इस जंगल का 70% भाग, मतलब आधे से भी अधिक भाग जो है ना मानव गतिविधियों से प्रभावित हो चुका हो। मतलब जैसे कि देखिए उस जंगल में बहुत सारे जो है क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, अब सॉरी पेड़ होंगे, तो उन पेड़ों को जो है आधे से ज़्यादा पेड़ों को काट लिया गया होगा। क्यों काटा होगा? क्योंकि मानव है या वह मानव है, मानव की गतिविधियाँ करनी है, मानव को जो है लकड़ी चाहिए घर बनाने के लिए, अपने ऑफिस वगैरह बनाने के लिए, तो जो है पेड़ों को काट लिया जाएगा, ठीक है। उस खेतों में बहुत से ऐसे जीव होंगे, उनको भी मार दिया जाएगा, ठीक है। साथ साथ पेड़ों को क्यों काटा जाएगा? क्योंकि उस क्षेत्र में जो जनसंख्या बड़ी है, उसका पेट भरने के लिए खेती भी तो करनी चाहिए ना, तो उस क्षेत्र में आपके जंगल का 70% भाग जो है ना वो क्या हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो या फिर उजड़ चुका हो, या तो जंगल है लेकिन ये वाला भाग जो है ना अब क्या है, बिल्कुल उजड़ चुका है। बात को जो है आप समझ रहे होंगे, आपने अपने गांव में देखा भी होगा, आपके जो है दादा दादी बोलते होंगे कि पहले तो यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था लेकिन अब तो यहाँ पर घर बन गए हैं। तो ये किस कारण हुआ है ना, ये मानव की गतिविधियों के कारण ही तो हुआ है, ठीक है। तो यह जो है ना दूसरा पॉइंट यही बोल रहा है कि उसका जो है ना 70% भाग जो है ना वो उजड़ चुका हो, मतलब खराब हो चुका हो, उसमें जीव जंतु न रह ही नहीं सकते हैं, उजड़ चुका हो अर्थात वो मानव की गतिविधियों से उस क्षेत्र के अस्तित्व, उस क्षेत्र का जो अस्तित्व है ना उस पर संकट आ गया। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस, मतलब जैसे कि आपका अस्तित्व, इसका मतलब क्या हो गया कि आप हो, ये मतलब इसे हम कहते हैं अस्तित्व। और उस क्षेत्र के अस्तित्व पर संकट आ गया, मतलब वो क्षेत्र जो है ना वो ही नष्ट होने वाला है, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, यह है आपकी दूसरी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा हॉट स्पॉट का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि वहां पर 5000 मतलब 0.5% से अधिक प्रजातियां होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो जो क्षेत्र है ना उसका 70% भाग जो है ना वो उजड़ चुका हो, दो यह शर्त है, ठीक है। अब 70% भाग उजड़ चुका है, इसका मतलब वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु होंगे ना वो बहुत ही मतलब टेंशन में होंगे, उनके मतलब अस्तित्व पर जो है वो क्या आ गया होगा, संकट, बहुत ही बड़ा संकट आ गया होगा, क्योंकि अब उनके रहने की जगह ही नहीं बची, वो अब अपना पालन पोषण कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। अब पालन पोषण नहीं करेंगे तो वो उनका अस्तित्व रहेगा ही नहीं, वो प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएगी, मतलब नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पर बोल रहा है, देखिए ऐसा बोला कि ऐसे क्षेत्र जैसे कि आपके गांव का जंगल, ऐसे क्षेत्र को संरक्षण की तत्काल आवश्यकता होती है। तत्काल मतलब उसी समय, ऐसा क्षेत्र आपके जंगल में यदि कोई ऐसा हो गया है तो आपने जो है अपने फॉरेस्ट्री जो ऑफिस होता है वहां पर कंप्लेन कीजिए कि उस क्षेत्र को तत्काल जो है ना संरक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता तप्त स्थल। वैसे ये जो जैव विविधता तप्त स्थल है ना वो आपके एक गांव के जंगल में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैव विविधता तप्त स्थल में बहुत सी प्रजातियाँ होनी है। आपके गांव में 5000 प्रजातियों का मतलब आप समझते हो ना, 5000 प्रजातियों मतलब वहाँ तो आप रह सकते ही नहीं किसी भी हालत में। 5000 प्रजातियों में दो तीन तरह के तो शेर हो जाएगा, और एक शेर जो है पूरी गांव को नष्ट करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता, अपने कल्पना की है ताकि जो है आप इसको समझ पाओ, ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्रों को जो है संरक्षण की तत्काल आवश्यकता होती है, इसलिए ही हम इन्हें जो है क्या कहते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। अब यहाँ से जो है ना, वैसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं, लेकिन एक मस्त क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि हम जो है ना जैव विविधता तप्त स्थल जो है ना, ऐसे क्षेत्र को जो है ना मतलब जो मतलब ज़्यादातर जैसे कि आपको बोल दिया गया कि एक स्थान पर जो है कुल स्थानबद्ध प्रजाति को 0.5% प्रजाति पाई गई है, और ये दो शर्त दे दी गई है, ठीक है। अब इन दो शर्तों के नीचे आपको सवाल पूछा गया कि इससे हम जैव विविधता तप्त स्थल क्यों कहेंगे, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि वो मानव की गतिविधियों से बिल्कुल प्रभावित हो चुका है और वहाँ की प्रजातियाँ बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर है, ठीक है। अब नष्ट होने के कगार पर है तो इसलिए उन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता होगी। तो यह है आपका पूरा तप्त स्थल, जैव विविधता तप्त स्थल होता क्या है, और जैव विविधता तप्त स्थल को मतलब मानने के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं, वो क्या है वो आपने पढ़ ली, ठीक है। अब जो है ना हम पढ़ते हैं भारत के जैव विविधता तप्त स्थल। तो भारत में कुल 3 जैव विविधता तप्त स्थल है, कितने हैं? 3 जैव विविधता तप्त स्थल। इसमें से एक जैव विविधता तप्त स्थल को जो है ना हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए क्या है, पहला जैव विविधता तप्त स्थल कौन सा है आपका?
प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल में बात करें तो पहला है आपका पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल। पूर्वी हिमालय मतलब हिमालय के मतलब भारत के पूर्वी साइड जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, शिमला वगैरह जो वो है ना, वो आपके कौन से है? पूर्वी हिमालय जैव, पूर्वी हिमालय, ठीक है। तो देखिए आपको ये बोला, इसके अंतर्गत पूर्वी हिमालय के राज्य आते हैं। पूर्वी हिमालय के राज्य जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, शिमला हो गया, ठीक है ना, ये जो है आपके कौन से है? पूर्वी हिमाचल प्रदेश मतलब पूर्वी हिमालय, आपके पूर्वी हिमालय के राज्य हो गए, ठीक है। इसके बाद आपको बोला है कि जो हिमाचल प्रदेश है ना, ठीक है ना, उसमें जो है ना वो जैव विविधता उससे भरा पड़ा है, उसमें बहुत सारी जैव विविधता है, ठीक है, बहुत सारी जैव विविधता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो जो है ना जैव विविधता तप्त स्थल होगा। तो देखिए हिमाचल पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये कोई भी है पर्वत श्रृंखला जो है वो जैव विविधता से संपन्न है, ठीक है। क्या है? जैव विविधता से संपन्न, ठीक है। इसका मतलब हम इसे जैव विविधता तप्त स्थल बोल सकते हैं। अब आपको क्या बोला है कि हिमालय के जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्र में वनस्पतियों की लगभग, सिर्फ वनस्पतियों की लगभग 10,000 प्रजाति पाई जाती है। देखिए यहाँ पर तो हमने 5,000 बोला, लेकिन यहाँ तो 10,000 जो है वो प्रजाति पाई जाती है, वो भी कौन सी? वनस्पतियों की। अब जीव जंतु के कितने हैं और भी जो है बहुत से जो है प्रजातियाँ होगी उनकी कितनी है वो भी जो है अलग अलग, सिर्फ वनस्पतियों की 10,000 प्रजातियाँ पाई जाती है। देखिए दोस्तों ये जो है ना आपको याद करना, ये एक पूरा डाटा है, मतलब आपको एक फैक्ट दे दिए, तथ्य है। अब इन तथ्य को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसा कि देखिए उस पूर्वी हिमालय के जो जैव विविधता जो तप्त स्थल है ना, वहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जो है ना जीव के बात करते, जैसे कि सुनहरा लंगूर। देखिए लंगूर तो आपने देखा होगा, लेकिन सोने के रंग का लंगूर आपने लगभग देखा नहीं होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है, सुना भी नहीं होगा। तो आप चाहो तो नेट पर सर्च कर लेना सुनहरा लंगूर कैसा देखता है, उसको आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उड़न गिलहरी, ठीक है। देखिए गिलहरी तो आपने जो है वो देखा होगा, गिलहरी कैसी होती है उसको तो देखा होगा, लेकिन उड़ने वाली गिलहरी इसको भी जो है आपने नहीं देखा होगा। तो उड़ने वाली गिलहरी भी जो है ना वो पूर्वी हिमालय की जैव विविधता तप्त स्थल में पाई जाती है। साथ साथ गांगे डॉल्फिन, देखिए डॉल्फिन तो आपने सुना है, लेकिन गांगे डॉल्फिन क्या होता है ये भी जो है आपने सुना हुआ नहीं होगा। तो सब नए नए जो है आपको जीव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक खास बात क्या है पता है कि जो गांगे डॉल्फिन है ना, आपने वैसे कभी सुना ही नहीं होगा कि भारत का राष्ट्रीय, देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है यह तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता लूं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गांगे डॉल्फिन। ये जो है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप जो है ना कहीं पर भी इसको पूछ सकते हो कि भारत का राष्ट्रीय जो आपका जलीय जीव है वो कौन सा है? डॉल्फिन है, ठीक है दोस्तों। तो यह है आपका पहला जैव विविधता, भारत का जैव विविधता तप्त स्थल। अब जो है ना हम अगले दो तप्त स्थल बच्चे हैं उनको भी कर लेते हैं और जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम दूसरा तप्त स्थल पढ़ते हैं, दूसरा तप्त स्थल है पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल, ठीक है। कौन सा है? पश्चिमी घाट। देखिए इसमें क्या है कि भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ पश्चिमी घाट, जो भारत का पश्चिमी तट है ना उससे जो लगा हुआ पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट जो है ना वो विश्व का जो है ना विश्व का प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल है, ठीक है। कौन सा? पश्चिमी तट से लगा हुआ, जो भी अपन आप मैप में देख रहे, मैप में जो पश्चिमी तट है ना उससे लगा हुआ जितना भी पश्चिमी घाट है ना, केवल की साइड वाला पश्चिमी घाट जो है विश्व का प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल है। और इस पश्चिमी घाट में जो है ना वो पूरा केवल राज्य जो है वो पूरा पूर्ण रूप से सम्मिलित है, मतलब पूरा केवल राज्य उस पश्चिमी घाट में आता है, ठीक है। और इस पश्चिमी घाट में लगभग जो वनस्पति है ना उसकी 6,000 प्रजातियाँ की है पाई गई है, ठीक है। कौन वनस्पति? लगभग 6,000। देखिए दोस्तों इसमें कुछ चेंज था, 5,700-5,800 वगैरह था, तो मैंने 6,000 लिख लिया, जिससे जो है आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। और जिसकी लगभग 50% जो आपकी संख्या ना वो स्थानबद्ध है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखें तो एशियाई हाथी और मेकाक बंदर। एशियाई हाथी के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा, तो वो एशियाई हाथी जो है वो इस पश्चिमी घाट तप्त स्थल में है। और मेकाक बंदर, ये भी जो है एक तरीके के बंदर होते हैं, आप जो गूगल उस पर सर्च मार सकते हो कि मेकाक बंदर कैसे होते हैं, ये भी जो है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत का अब हम पढ़ते हैं तीसरा जैव विविधता तप्त स्थल, जिसका नाम है इंडो बर्मा जैव विविधता
क्या नाम है, इंडो बर्मा। देखिए इंडो ना, इंडो मतलब इंडिया और बर्मा मतलब हम समझते हैं। देखिए इंडो बर्मा इसको क्यों बोला गया वो हम समझेंगे। इंडो बर्मा जैव विविधता तपता स्थल, क्योंकि यह पूर्ण रूप से इंडिया में नहीं है, वो जो है ना इंडिया से बाहर भी फैला हुआ है। देखिए जैसे कि यह उष्णकटिबंधीय पूर्वी एशिया में, ठीक है, कौन सा है उष्णकटिबंधीय पूर्वी एशिया में, चीन, भारत, म्यांमार तथा वियतनाम, ठीक है, और भी बहुत से देश हैं, मैंने चार देश लिखे हैं, चीन, भारत, म्यांमार और वियतनाम आदि देशों में जो है वो फैला हुआ है। कौन से उष्णकटिबंधीय पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया के जितने भी जो भाग है ना वो जो है ना उसमें कौन कौन से, जैसे चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम आदि जो है ना उसमें यह फैला हुआ है। और इस विशाल तप्त स्थल के दायरे में 13,500 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसको जो है फैक्ट इसको जो है आप याद कर लेना, तीन तप्त स्थल है, ठीक है, इन तीनों तप्त स्थलों को जो है आपको याद करना। पश्चिमी घाट हो गया जैव विविधता तप्त स्थल, इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल, ठीक है, और पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, इन तीनों को जो है आप याद कर लीजिए। अब है हमारा अगला टॉपिक और जो इस जो जैव विविधता है ना इसका महत्व। देखिए दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि जैव विविधता आखिर का इसका इम्पोर्टेंट, इसकी इसका इतना क्या महत्व है कि हम इसको पढ़ते हैं। और इस बार आईबीएससी ने इसको 8 नंबर का चैप्टर बना लिया है। कुछ ना कुछ तो इसका इम्पोर्टेंट होगा ना कुछ तो इसका महत्व होगा। तो इसका महत्व क्या है, अब जो है हम इस महत्व के बारे में समझेंगे। तो इस जैव विविधता के बहुत से महत्व है, बहुत से, ठीक है, यहाँ पे भी जो है बहुत से महत्व पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला महत्व पड़ता है आर्थिक महत्व। सबसे पहला महत्व कौन सा है, आर्थिक महत्व, ठीक है। अब आर्थिक महत्व जो है ना इसमें कौन कौन सा, तो ये देखिए आर्थिक महत्व जो आपके बुक में दिया गया है ना एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है। अब इससे जो है ना तो आपको याद होने वाला है और नए एग्जामिनर को समझ में आने वाला है। मैंने इसमें जो है वो पॉइंट बना लिए हैं, तीन पॉइंट बनाए हैं। देखिए कौन कौन से है, इसका आर्थिक महत्व, देखिए आर्थिक का मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था में काम है, आर्थिक मतलब क्या होता है अर्थव्यवस्था में, और महत्व मतलब काम आने वाले। तो सबसे पहला है पूर्ण भोजन। देखिए दोस्तों जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी ना उससे हमें भोजन में जो है विविधता मिलेगी। जैसे देखिए आप धान, जैव विविधता की वजह से धान उगा सकते हो, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, ठीक है ना, ये क्या है आपके धान में विविधता आ गई। अब यदि आप मान लो जैव विविधता नहीं होती और सिर्फ गेहूँ ही होता या फिर चावल ही होता तो आपको जो है चावल ही खाना पड़ता या फिर गेहूँ ही खाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर जैव विविधता आ गई ना। अब जैव विविधता में जैव विविधता हुई, जितनी अधिक मतलब अधिक जैव विविधता हुई ना उसके कारण आपको भोजन भी जो है ना आपको अलग अलग विविधतापूर्ण भोजन मिलता है, एक का एक खाना नहीं पड़ता। जैसे कि सब्जी है, सब्जियाँ भी अलग अलग तरह की होती है, आपको पता है, ये बताने की जरूरत है नहीं। तो ये जैव विविधता की वजह से हमें यह मतलब पॉसिबल हुआ, ये जो संपन्न हो पाया है जिससे हम अलग अलग विविधतापूर्ण भोजन कर सकते हैं। तो ये इसमें बोला गया है कि जैव विविधता के कारण हमें विविधतापूर्ण भोजन जैसे धान, अनाज, फल, सब्जियाँ, फल भी अलग अलग तरह के होते हैं, आपको पता है, ये केला हो गया, आपका अनार हो गया, सब कुछ जो है वो अलग अलग होते हैं, जैसे सब्जियाँ प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको चारा जो है ना वो भी अलग अलग मिलता है भाई, जो आपके जितने भी जंतु होंगे जैसे कि भेड़ होगी, आपकी भैंस होगी, गाय होगी, उसके लिए चारा भी चाहिए होगा, वो भी अलग अलग तरह का मिलता है। साथ साथ इमारती लकड़ी भी अलग अलग तरह की मिलती है, ठीक है। तो जो है ना, और साथ साथ औद्योगिक कच्चा माल यह भी अलग अलग तरह का मिलता है। मान लो एक ही औद्योगिक कच्चा माल मिलता होता ना तो जो है ना हमारी मतलब पूरी दुनिया की हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कुछ कैसा होता, ठीक है। इसलिए जो है ना इस जैव विविधता का आर्थिक महत्व में बहुत ही बड़ा योगदान है, और आर्थिक महत्व में सबसे पहला है पूर्ण भोजन जिसमें हमने ये पढ़ लिया। दूसरा कौन सा टॉपिक है, हेडिंग है रोग विरोधी एवं कीट विरोधी फसलों में। इस जैव विविधता का महत्व जो है ना वो रोग विरोधी एवं कीट विरोधी जो फसल है ना उसमें भी इसका काम आता है। कैसे आता है, देखिए एक जंगली धान है, जंगल की धान की एक प्रजाति है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ओराइजा निवेवा, ये कुछ नाम है इसको जो आपको याद रखना पड़ेगा, ओराइजा निवेवा, ठीक है। अब इसका उपयोग जो है ना कहाँ पर किया गया कि जो जो आपकी जो स्टार्ट है ना मतलब लगभग 1900 सन के लगभग एक आपका विषाणु आया था जिसका नाम था ग्रासी स्टंट विषाणु, ठीक है, कौन सा था, ग्रासी स्टंट। तो इसका बचाव करने के लिए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए इस जंगली धान का जो है वो जो ओराइजा निवेवा है इसका उपयोग किया गया था। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब जैव विविधता अधिक होगी ना तो हमें कई तरह के रोग विरोधी एवं कीटाणु विरोधी फसलों को जो मतलब
पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी तो जो है जिससे हमें कई तरह के जो है वो कीटाणु विरोधी मिलेंगे और रोग विरोधी जो है वो भी मिलेंगे। ठीक है, अब है हमारा तीसरा जो कि है जैव ईंधन। तीसरा उपयोग है इसी अखंड में किसमें, आर्थिक महत्व में। तीसरा उपयोग क्या है, जैव ईंधन में। देखिए दो ऐसे पौधे हैं जिसका नाम है जेट्रोपा और कन्वेज। ठीक है, अब इसके बीजों में जो इसके बीजों से जो है वो जैव उत्पन्न जैव ईंधन जो है ना उसको भी उत्पन्न किया जा सकता है। अब इनके बीजों से जैव ईंधन उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडीजल। इसलिए इन पौधों को हम बोलते हैं बायोडीजल वृक्ष। ठीक है ना, तो ये जो है आपको याद करना, छोटी सी बात है, बात जो है आप समझ रहे होंगे कि जैव ईंधन किसको क्यों बोला है। देखिए इसके मैंने तीन हेडिंग बनाई है, तीन बड़ा सा पैराग्राफ था, उसकी तीन हेडिंग में जो है आपको समझ लिए, इससे जो है आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा और जो जैव विविधता है उसका दूसरा महत्व है जो कि क्या है, औषधीय महत्व। देखिए स्पेशली हमारे भारत देश में जो है ना जो और जो पेड़ पौधे हैं ना उसको मतलब प्राचीन समय से ही जो है इनका औषधि के रूप में उपयोग किया जाए, प्राचीन समय से ही। और कुछ एक पौधों के यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि आपका मलेरिया जब होता है ना, मलेरिया जब आपको बुखार वाला मलेरिया हो जाता है ना, तब जो है ना उसके इलाज में एक पौधा है सिनकोना पादप। ठीक है, सिनकोना पादप। अब ये सिनकोना है ना, इस पादप की जो छाल होती है ना, ठीक है, बाहर वाली जो चमड़ी होती है ना, उस चमड़ी का उपयोग किया जाता है जिससे मलेरिया का जो ज्वेव होता है, मलेरिया का जो बुखार होता है ना वो चला जाता है। साथ साथ जो रक्त कैंसर होता है ना, ब्लड कैंसर, उसके इलाज में जो है ना सदाबहार, मतलब जो हर साल मतलब पूरे साल रहने वाला दो आपके पौधे हैं, एक तो विन क्रिस्टीन तथा विन ब्लास्टीन, दो पौधे हैं विन क्रिस्टीन तथा विन ब्लास्टीन, इन दोनों पौधों का जो है उपयोग किया जाता है। और ये दोनों पौधे कौन से, सदाबहार, सदाबहार मतलब पूरे साल चलने वाले। ठीक है, तो रक्त कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च रक्त चाप होता है जिसे हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में जो है वो सर्व गंधा का जो पौधा होता है ना, उस सर्व गंधे के पौधे का उपयोग किया जाता है। साथ साथ जो कैंसर होता है, सबसे भयानक बीमारी कैंसर, उसके इलाज में टैक्सस बकाटा जो नामक एक वृक्ष है उसकी छाल का उपयोग किया जाता है। कौन सा, टैक्सस बकाटा। ठीक है, इसका जो है वो इस वृक्ष के छाल का उपयोग किया जाता है इस कैंसर के इलाज में। इस तरीके से जो जैव विविधता, देखिए जैव विविधता जितनी अधिक है ना उसकी वजह से इतने हमें जो है पौधे मिल पाए, इतने पौधे मिल पाए इसकी वजह से हम इतने सारी बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं। तो जैव विविधता का जो है वो औषधीय महत्व भी बहुत ही अधिक है। अब इसके दो और महत्व बचे हैं, उस महत्व को भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब हम तीसरा और चौथा महत्व पढ़ते हैं। देखिए तीसरा महत्व क्या है, पर्यावरणीय महत्व। अब ये पर्यावरणीय महत्व जो है वो क्या होता है इसको हम समझते हैं। इसमें तीन पार्ट है, सबसे पार्ट है खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। आपने खाद्य श्रृंखला जो है ना क्या होती है उसको 9 में पढ़ा होगा। जैसे कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि देखिए घास है, ठीक है, घास जो है ना उसको कौन खाता है, मान लो हिरण। ठीक है, अब हिरण को कौन खाता है, मान लो शेर खाता है। ठीक है, और जब शेर मरता है या फिर शेर या फिर हिरण जो है ना मलमूत्र करते हैं, वही जो है खाद बनता है, और खाद बनकर उसी जो आपका पौधा है ना और या फिर घास है ना, उस घास के जो है वो उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में काम करता है। मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है, मतलब निर्भर है। ठीक है ना, इस तरीके से जो है ना एक श्रृंखला बनती है, इसे हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। तो ये होती है खाद्य श्रृंखला। तो इस खाद्य श्रृंखला के संरक्षण में किस तरीके से ये सहायक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि शेर है, ठीक है, अब शेर किसको खाता है, हिरण को खाता है, साथ साथ भैंस को खाता है, मतलब जो भी गाय वगैरह जो भी दिखे उन सबको खाता है। अब मान लो इस जैव विविधता न होती और सिर्फ हिरण ही होता, ठीक है, और वह हिरण यदि गलती से भी विलुप्त हो जाता, नष्ट हो जाता, तो यदि हिरण नष्ट हो जाता तो होता क्या कि जो शेर है ना उसका खाना तो नष्ट हो जाता। तो हिरण के नष्ट होने से शेर तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रजाति, शेर की जो प्रजाति है वो ऑटोमेटिकली विलुप्त हो जाती, मर जाती। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रजाति विलुप्त हुई उसकी वजह से दूसरी भी विलुप्त हो रही है। ठीक है, और यदि जैव विविधता होती ना तो क्या हो जाता कि हिरण यदि विलुप्त हो गया तो शेर चाहे तो भैंस को खा सकता था, गेंडे को खा सकता था, हाथी वगैरह किसी को भी जो है वो खा सकता था। ठीक है ना, तो इस यही जो है यहाँ पर बोला गया है। देखिए खाद्य श्रृंखला में जो एक प्रजाति है ना वो दूसरी प्रजाति का भक्षण करती है, ये छोटा सा पार्ट मैंने लिखा। तो देखिए खाद्य श्रृंखला में एक प्रजाति जो है ना वो दूसरी प्रजाति के ऊपर निर्भर रहती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया।
अब होगा क्या कि यदि एक प्रजाति विलुप्त हो जाए तो होगा क्या, तो दूसरी प्रजाति भी, दूसरी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा रहता है। कैसे रहता है, मैंने आपको समझा लिया ना, ठीक है। तो यदि जैव विविधता होगी, अतः जैव विविधता होने पर यह खतरा नहीं रहता। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही शॉर्ट में, इससे छोटा जो है आपको यह पैराग्राफ कहीं नहीं मिल सकता। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है और ऐसा लिखा है कि इसमें सभी पॉइंट जो है वो आ गए, ठीक है। तो यह है आपकी खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। तो आप ये कह सकते हो कि जैव विविधता होने से खाद्य श्रृंखला का संरक्षण होता है, इसलिए यह जैव विविधता महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पोषक चक्र नियंत्रण। अब ये पोषक चक्र क्या होता है, देखिए पोषक चक्र क्या हो गया कि ये आपका पेड़ पौधा है, ठीक है, ये आपका पेड़ पौधा, ये आपकी मिट्टी है और ये आपके जीव जंतु है, ठीक है। जैसे कि ये आपके मान लो हो गए जीव जंतु, ठीक है। अब ये पेड़ पौधे और जीव जंतु जब मरेंगे ना, तो होगा क्या कि मतलब ये जमीन के ऊपर यहाँ पर जो है मिट्टी है उसके ऊपर गिर जाएंगे, पड़ेंगे, ठीक है। अब यदि मिट्टी के ऊपर ये गिर गए ना, तो होगा क्या कि ऐसे ये मतलब होने तो नहीं चाहिए, ऐसे कैसे पड़ेंगे, तो पोषक चक्र जो है वो चलेगा कैसे। पोषक चक्र होता क्या है कि जैसे कि ये जीव जंतु, जैसे पौधा है ये, अब पौधा क्या करेगा कि ऑक्सीजन देगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। और जीव जंतु क्या करते हैं, जीव जंतु क्या करेगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सॉरी ऑक्सीजन लेगा, तो ये आपस में जो है ना, एक दे रहा है तो एक ले रहा है, ठीक है, और एक वापस देगा तो दूसरा लेगा, ये सिस्टम हो रहा है, ठीक है। और जो है ना, जब ये मर जाएंगे तो होगा क्या, अब यदि सब मर गए, मान लो जैव विविधता नहीं होती और मर गए होते ना, तो जो है ना, इनको जंतु है उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती, ठीक है, पौधे हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती। तो होगा क्या कि जब ये मर जाएंगे ना, तब जो मिट्टी है ना, मिट्टी में होने वाली जो सूक्ष्म जीवन, अलग अलग प्रजातियाँ, सूक्ष्म जीव में विविधता, वो क्या करेगी, इनका अपघटन कर लेगी और इनको मिट्टी में मिला लेगी, जिससे होगा क्या कि मिट्टी में मिल जाएगी तो मिट्टी के लिए एक तरीके से क्या बन जाएगा, उर्वरक मिल जाएगा, खाद बन जाएगा ना, ठीक है। खाद बन गया तो मिट्टी का भी काम हो गया, अब मिट्टी वापस नए नए पौधों को उगाएगी, जिससे पौधों का भी काम होगा और जीव जंतु का भी काम होगा। तो यह होता है आपका पोषक चक्र। तो यही बोला जाएगा, देखिए मिट्टी में सूक्ष्म जैविक विविधता जो है ना, वो पौधों व जीवों के मृत भागों को विघटित कर पोषक तत्व पुनः उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। इस प्रकार यह चक्र जो है वो चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बात है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, हम तीसरा टॉपिक है इसका, पर्यावरणीय प्रदूषण का निस्तारण। मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण होता है ना, उसमें भी ये जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। कैसे, देखिए दोस्तों, कुछ कुछ वनस्पति होती है ना, उन वनस्पतियों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण करने की बहुत ही एक गजब की क्षमता होती है, जो कि क्या होती है, देखिए एक आपका सदाबहार जो पौधे होते हैं ना, वो पौधे क्या करते हैं, जो घातक विस्फोटक होते हैं, जितने भी विस्फोटक, जैसे कि आप बम वगैरह कहीं भी लाते हो तो उससे भी जो हाई लेवल के विस्फोटक होते हैं ना, उनको विघटित करने की क्षमता रखते हैं, मतलब उनको मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। कौन से सदाबहार पौधे, और वैसे ही सूक्ष्म जीव जो है ना, सूक्ष्म जीव में औद्योगिक अपशिष्ट से जो बारी धातु निकलती है ना, देखिए धातु आसानी से विघटित होती नहीं है, लेकिन सूक्ष्म जीवों में वो क्षमता होती है कि वो धातु को भी विघटित कर ले, ठीक है। तो इनको, इन भागों को जो है आपको याद करना है। तो यह है आपका पर्यावरणीय महत्व इस जैव विविधता का। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमारे मनुष्य का विकास हुआ है ना, वैसे वैसे हमारी संस्कृति, हमारी जो आपकी जो आपका संस्कृति है ना, उसका भी जो है वो विकास होता गया है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे जैसे यदि जैव विविधता बढ़ेगी ना, तो वैसे वैसे हमारी संस्कृति का भी विकास होगा, हमारी जो है ना वो सांस्कृतिक जो एक्टिविटीज है, क्रियाकलाप है, वो भी बढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, हम जो है ना बहुत बार क्या करते हैं, जैसे कि हमारे समाज में होता है कि जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया, ठीक है, साथ ही साथ तुलसी हो गई, इनसे जैसे कि आम हो गए, इन सभी पौधों को जो है ना पूजा की जाती है, ठीक है ना। अब ये पूजा यदि यहाँ पर पौधे ये होते ही नहीं, तो पूजा किसकी करते हैं, तो हमारी संस्कृति का विकास तो होता ही नहीं, ठीक। इसी तरीके से गाय हो गई, आपके जो चूहा हो गया, हंस हो गया, ठीक है, इन सभी को जो है ना, उन सभी की भी पूजा की जाती है, यह हमारे संस्कृति का जो है प्रतीक है। गाय, मोर हो गया, हंस हो गया, चूहा हो गया, इन सभी की पूजा करते हम मानते हो, हम ये मानते हैं कि ये देवताओं के प्रतीक है, ठीक है, जिससे हम इनकी पूजा करते हैं। तो जिससे हमारे संस्कृति का विकास होता है, हम जो है, हम अपनी संस्कृति से घुलते मिलते हैं, हम जो है, हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं बढ़ती है, ठीक है। और यदि संस्कृति बढ़ेगी तो हमारा देश भी ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो करेगा, उसमें ऊपर आएगा, ठीक है।
तो यदि यह जैव विविधता होती नहीं, जैसे कि मान लो गाय वगैरह एक गाय ही होती, तो जो है ना हमारी संस्कृति में इतनी वृद्धि नहीं होती। जैसे कि पेड़ में मान लो एक पीपल का पेड़ ही होता, दूसरे नहीं होते, बरगद नहीं होता, आपका केले का पेड़ नहीं होता, आम का पेड़ नहीं होता, तो होता क्या, हमारी संस्कृति का विकास नहीं होता। और यदि संस्कृति का विकास होता नहीं तो हमारे देश का जो विकास है वो भी जो है वो धीमी गति से बढ़ता। ठीक है, तो यही आपको बोला गया है। देखिए कुछ वनस्पतियों जैसे पीपल, बरगद, आम, तुलसी वगैरह जो है ना, उनका आज भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है। कैसे, हम इनके पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तुलसी विवाह जो है, आपने एक प्रसिद्ध विवाह जो है आपने सुना होगा नाम, ये बहुत ही फेमस है। साथ ही साथ जैसे देखिए कुछ जंतु जैसे गाय, ठीक है, हम बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, साथ ही साथ मोर, हंस, चूहा आदि जो है ना, इनका भी विशेष स्थान है। जैसे कि चूहा जो है वो हमारे मूषक जी जो है गणेश जी के क्या है, आपके सवारी थे। साथ ही साथ जो है आप गाय बोल लो, गाय को जो है इस पर आप बोलते हो कि सभी देवी देवता इसमें वास करते हैं, तो ये सभी क्या हमारी संस्कृति ही तो है ना। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि जैव विविधता हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह है आपके इस जैव विविधता के महत्व। चार महत्व मैंने आपको समझा दिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझा है, बिल्कुल छोटे छोटे पैराग्राफ लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो पाए। और यदि आपको यहाँ से नहीं लिखना है, कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे तो आप यहाँ से लिख सकते हो, फिर भी मैंने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए नोट्स उपलब्ध कराए हैं, वो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।